जी इस्लाम पाकिस्तान, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है, यानी कि ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और मैं मौजूद हूं द ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान। तो नाज़रीन, यहां पर बड़ी तादाद में लाहौर के शहरी आए हुए हैं और इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं, फुल गर्मी है, पार्क खचाखच भरा हुआ है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो पूरे पार्क में आवाम ही आवाम है। अभी कुछ कम है लेकिन शाम होते ही ग्रेटर इकबाल पार्क जो है खचाखच भर जाएगा। तो आइए नाज़रीन, हम आवाम से बात करते हैं, शहरियों से, लाहौर के जिंदा दिलाने शहरियों से बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं ईद का दूसरा दिन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? रिजवान। रिजवान भाई, आप दोपहर के 3 बजे ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं इस टाइम? एक्चुअली आई बॉर्न इन लाहौर एंड आई लिव इन लाहौर एंड फर्स्ट टाइम आई कम इन माय इन ग्रेटर इकबाल पार्क एंड एक्चुअली लास्ट 10 ईयर आई एम लिविंग अब्रॉड इन दुबई। अच्छा। एंड माय फ्रेंड सेड दैट यू नेवर गो टू द मीनार पाकिस्तान एंड आई सेड दैट ओके दैट टाइम आई विल गो टू वोकेशन। मुझे एक बात बताएंगे, आप कह रहे हैं मैं लाहौर का पैदाइशी हूँ और पहली दफ़ा आप मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं? फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और इससे पहले आप दुबई में ही रहे हैं? दुबई नहीं, तकरीबन लास्ट 10 ईयर से आई स्टार्ट टू लिव इन यूएई। यूएई? या। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस गर्म माहौल में भी? मीनार पाकिस्तान आने का मकसद क्या है आपका? बस देखना चाहता था जी, हाउ आई फील एंड कैसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। मेरे दुबई में फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग आए हैं, वो कोई बाबलपुर से था, कोई गुजरांवाला से, तो सब बोलते थे कि आप मीनार पाकिस्तान नहीं गए लाहौर के होके। मैं बोला इस दफ़ा जाएंगे तो देख लेंगे क्या होता है कैसा है। वैसे तो और मैनी टाइम, मोर देन 100 टाइम्स आई पास फ्रॉम हेयर एंड देयर, बट आई नेवर गो इनसाइड द ग्रेटर इकबाल पार्क। जी नाज़रीन, एक और शहरी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये छोटी छोटी बेबी है, ये देखे जी कितनी प्यारी तैयार हुई हुई है, वो भी आई हुई है अपने बाप के साथ और ये छोटा सा बच्चा भी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं जी आप? खैरियत भैया, अल्लाह का शुक्र है भैया। अच्छा जी, इस गर्मी के फुल मौसम में आप ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान में आए हुए हैं, इतनी फुल गर्मी में बच्चों के साथ, क्या मकसद क्या है आपका? ये बस बच्चों का एंजॉय कराने के लिए लेके आए, बच्चों के घर में सुबह का शोर किया हुआ था कि हमें लेके चलें किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जिधर हम अपनी सैर कर सकें, सैर करने के लिए इनको लेके आए। अभी इनको ईद विजिट करा रहे हैं, सैर करवा रहे हैं, सैर करने के बाद शाम को भी चिड़ियाघर जाएंगे, चिड़ियाघर के बाद फिर घर ले जाएंगे, जू जाएंगे अभी। जी जू जाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वहाब। वहाब, आप यहाँ पे क्या लेने आए हो? सैर करने आए हो? जी नाज़रीन, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, उनसे भी बात करते हैं कि इतनी गर्मी में और ये जुलाई का महीना चल रहा है जो फुल गर्मी का महीना है और ईद का दूसरा दिन है, आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है, इस छोटे से बच्चे से भी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आप इस गर्मी के मौसम में ग्रेटर इकबाल पार्क जो मीनार पाकिस्तान, क्या लेने आए हैं? घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आप अकेले आए हो? नहीं, बाबा और साथ आए। अच्छा, बाबा और मामा भी आए हैं। अच्छा अच्छा। नाज़रीन देखें कि कितनी गर्मी है और बच्चे बूढ़े जवान तमाम लोग जो है वो गर्मी के इस मौसम में ईद के दूसरे दिन इंजॉय करने के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क यानी कि मीनार पाकिस्तान आए हुए हैं। और मीनार पाकिस्तान की तारीख आप तमाम दोस्तों को पता है कि ये मीनार पाकिस्तान की तारीख क्या है। मेरे साथ एक और दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इतनी गर्मी में मीनार पाकिस्तान क्या लेने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, क्या नाम है जी आप? मेरा नाम जुनैर शहजाद। जुनैर भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से। अच्छा, गुजरांवाला में आप लाहौर मीनार पाकिस्तान देखने आए? हम स्पेशल मीनार पाकिस्तान देखने आए, हम काफ़ी देर बाद आए हैं। अच्छा। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है इस गर्मी के जुलाई के महीने में? ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके जी, इनके साथी को फुल पसीना आया हुआ है, अगर जूम करके दिखा सके तो इनके साथी को फुल पसीना आया हुआ है। आपसे भी बात करते हैं जी। अच्छा जी, और गुजरांवाला से आप सुबह से आए हैं या अभी आए हैं? बस अभी आए हैं, तकरीबन 5-10 मिनट हुए हैं। 5-10 मिनट हुए? हाँ जी बिल्कुल। और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आकर मीनार पाकिस्तान में, क्या फीलिंग है आपकी? फीलिंग है तो गर्मी बहुत है, दूसरे नंबर पे जो घूमने फिरने का वो मज़ा, अब फिरेंगे और हमें पता लगेगा कि कैसा जो हमें महसूस हो रहा है। आप सीने से फुल शराब हो रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप गुजरांवाला से लाहौर में आकर? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सीने के लिए, सीने के साथ इसी है कि गोश्त खाया कुर्बानी का।
अच्छा गोश्त खाया जी, वो बच्चा कह रहा है कि क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान कह रहा है कि मैंने गोश्त खाया कुर्बानी का, इस वजह से पसीना आ रहा है। तो आप गोश्त हजम करके आते हैं ना लाहौर? हजम करने के लिए आए जी। नाज़रीन, एक और दोस्त हैं जो मीनार पाकिस्तान घूमने आए हैं, उनसे पूछते हैं कि जुलाई के इस महीने में, गर्मी के महीने में, ईद के दूसरे दिन ये यहाँ क्या करने आए हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हमजा महबूब है। अच्छा महबूब साहब, आप ये बताएं कि मीनार पाकिस्तान आप क्या लेने आए हैं? सर इंजॉय करने आए हैं, ईद का दूसरा दिन मनाने आए हैं अपने चाचा के साथ और बाकी दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। कहाँ से आए हैं? सर मैं इकबाल टाउन से आया हूँ। लाहौर इकबाल टाउन जी, लाहौर इकबाल टाउन। अच्छा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में आके इस गर्मी के मौसम में? पसीना भी आपको फुल आ रहा है जी? सर गर्मी के मौसम में, चाहे जिस भी मौसम में, हमें ईद का दिन तो बहुत ही मतलब जोश व खरोश से मनाना चाहिए, और ये सारे दोस्त जानते हैं कि सारे ही मनाते होंगे। और यहाँ पे आने का बेसिकली मकसद ये था कि हमारे चाचू ने ना मीनार पाकिस्तान फर्स्ट टाइम देखा है, तो उनको घुमाने के लिए लाए हैं। चाचू कहाँ से आए हैं? चाचू आए हैं आरफ वाला से। ये हमारी छोटी सी बेटी है जी, ये बात करना चाहती है नेशनल न्यूज नामा से। बेटा आपका क्या नाम है? इंशा। जोर से बताओ। अच्छा बेटा आप मीनार पाकिस्तान आए हो, क्या करने आए हो? अच्छा आप सैर करने आए हो, किसके साथ आए हो आप? पापा साथ आए हो। और कहाँ से आए हो? घर से आए हो? शाबाश। ये देखें जी, ये छोटा सा शहरी है हमारा, छोटी सी बेटी है जो हमारे साथ बात कर रही थी, और ये कह रही है कि मैं सैर करने आई हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक फैमिली भी है जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे भी बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो मीनार पाकिस्तान में क्या लेने आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी आपका नाम? गुलाम रसूल। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बेगमकोट से। अच्छा बेगमकोट लाहौर से। लाहौर से। और मीनार पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ इतनी गर्मी में आप क्या लेने आए हैं इस मौसम में, फुल गर्म जुलाई के महीने में? ये घूमने आए हैं, बच्चों की ख्वाहिश थी हम मीनार पाकिस्तान जाएं, घूमें फिरें थोड़ा सा। और कैसा महसूस हो रहा है आपको मीनार पाकिस्तान आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। जी नाज़रीन, एक और दोस्त है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, पता करते हैं कि वो मीनार पाकिस्तान में क्या लेने आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी जुलाई के इस महीने में, ईद के दूसरे दिन, जबकि फुल गर्मी है, आपको भी पसीना आया हुआ है, तो आज इस फुल गर्मी के महीने में आप मीनार पाकिस्तान क्या लेने आए हैं? यहाँ ईद की वजह से वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईद मनाने के लिए यहाँ यादगार के हैं, मीनार पाकिस्तान इंजॉय करें। इंजॉय करने आए हैं जी, ईद में बस क्या करें, हमारे पाकिस्तान में इस तरह लाहौर में मौसम इस तरह ही है, बाकी जगहों में तो ईद मनाना वहाँ मौसम के लिहाज से वहाँ बहुत मज़ा आता है, लेकिन इधर गर्मी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? नईम। जी नईम भाई आप मीनार पाकिस्तान क्या लेने आए हैं? घूमने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? जी मैं कसूर से। अच्छा ज़िला कसूर से आए हैं जी। नाज़रीन आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं भी ज़िला कसूर से हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूं। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो नाज़रीन आपको पसंद आएगी, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।